सब्सक्राइब कीजिए नुमान टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए। सलाम अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में मैं जिस स्पीकर की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ ना, उसका छोटा सा रिव्यू लेकर आया हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ना कमाल का कहने के प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर कमाल बात सबसे ज़्यादा ये है कि इसका साइज़, अब इसका जो साइज़ है ना यार, वो इतना ज़्यादा छोटा है, यानी कि बिल्कुल छोटा सा साइज़ है इसका। और इसका जो वॉल्यूम है यानी इसका जो साउंड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, यानी कि जैसे आपको बड़े स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं ना, तो वैसा इसका साउंड है, लेकिन साइज़ का बहुत ज़्यादा छोटा है। इजी टू कैरी है, आराम से आप किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं अपने बैग वगैरह में डाल के, और आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। ज़्यादा वजनी भी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है स्पीकर की। और ख़ास बात यह है कि ये तमाम जो लेटेस्ट फीचर्स आते हैं ना, उसके साथ आपको देखने को मिल जाता है। प्लस इसके अंदर आपको ऊपर की तरफ ना, कि आपको जो डॉग स्टैंड होता है ना, वो भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट वगैरह करके तो एज अ स्टैंड के तौर पर भी इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें इसके बॉक्स को लेके, तो यार ये इसका हमें कुछ इस तरह का बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है चारों तरफ से। फ्रंट साइड के ऊपर ऑडियोनी की ब्रांडिंग जो की गई है, यहाँ पर वायरलेस स्पीकर विद मोबाइल डॉकिंग जो लिखा गया। अब इसका जो ब्लूटूथ वर्जन है वो 5.0 है, यानी कि इसकी जो पेयरिंग की जो स्पीड होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। इजी टू कैरी है, स्विफ्ट बटन है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है COCO C7। इस तरफ जो है वो इसके कुछ फ्लैग्स वगैरह मुख्तलिफ जो है वो जुबानें वगैरह जो लिखी हुई है बैक साइड के ऊपर, ये देख सकते हैं मोबाइल जो है जैसे लगाया हुआ है, वो मोबाइल लगाने का तरीका वगैरह सारा जो चीज़ें वगैरह बताई गई हैं यहाँ पे। अगर इस तरफ आ जाए यार, तो इस तरफ हमें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन में देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हमारा पास सबसे पहले जो है वो 5.0 का ब्लूटूथ वर्जन है, स्विफ्ट बटन है, हाई क्वालिटी ऑडियो है इसके अंदर, और रिचार्जेबल बैटरी है, और एक घंटे तक का जो है उसका प्ले टाइम है, यानी कि आप इसको चार्ज करके तकरीबन एक घंटे तक का बैकअप जो है वो आराम से आप इससे ले सकते हैं। लाइट वेट है, पोर्टेबल है, रेडियो भी है इसके अंदर, मेमोरी कार्ड जो है वो सपोर्ट करता है, USB भी सपोर्ट करता है, और 32 GB तक के कार्ड को ये इजीली जो है वो सपोर्ट कर सकता है, यानी कि आप 32 GB कार्ड को फुल करके भी इसके अंदर लगा सकते हैं, और ये आराम से जो है ना उसके अंदर तमाम उसके जो सॉन्ग्स वगैरह होंगे वो प्ले कर सकेंगे। नीचे की तरफ जो है वो इसका कुछ कोड वगैरह है, और सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें ऑडियोनी की तरफ से देखने को मिल जाती है ऑफिशियल, तो इसके साथ हमें एक साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है ऑडियोनी की ऑफिशियल, यानी कि एक साल के अंदर ही अगर ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो ये ईजी टू जो है ना वो आपका रिप्लेस या रिपेयर हो जाएगा। तो इसके बॉक्स को जो है ना सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ से ओपन। बॉक्स का हमने ओपन कर लिया। बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें एक अदद वारंटी कार्ड हमें देखने को मिल जाता है इसके अंदर। ये इसका वारंटी कार्ड भी है, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर वगैरह जो है वो मेंशन है, और प्लस इसका जो है ना ये एक यूज़र मैनुअल भी है। ये 2-in-1 जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है, तमाम चीज़ें काफ़ी बड़ा सा ही है, ये तमाम चीज़ें इसके वजह लिखी हुई है जो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। इसको कर लेते हैं हम साइड पर, ये देख सकते हैं 1 ईयर वारंटी कार्ड, यहाँ पे 1 ईयर वारंटी जो है वो मैंशन किया गया है। उसके बाद हमारा ये स्पीकर आ जाता है, और हमारी एक अदर जो है वो चार्जिंग केबल आ जाती है, जो कि माइक्रो USB 2.0 की जो है वो केबल है। इसके ज़रिए आप अपने स्पीकर को जो है चार्ज वगैरह कर सकेंगे, और इसके अलावा हमें बॉक्स में कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इसको कर लेते हैं हम साइड पे। उसके बाद ये हमारा स्पीकर आ गया, इसकी यहाँ से हम इसके जो शॉपर है इसको हटा लेते हैं। तो ये हमारा जो आप देख सकते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये हाथ में कितना छोटा सा इसका साइज़ है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो छोटा सा इसका साइज़ है। यहाँ पे हमारा ये कह लें कि जो इसका माइक्रो USB 2.0 का जो हमारा चार्जिंग पोर्ट होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमारी कुछ वो लाइट वगैरह का सिस्टम होगा, इसके अंदर आप हैंड फ्री भी लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे मेमोरी कार्ड का जो वो ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आप USB भी लगा सकते हैं, USB का भी ऑप्शन दिया गया, और ये इसके जो है ना वो तमाम बटन्स वगैरह जिसके ज़रिए आप इसको प्ले पॉज वगैरह मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये हमारा स्पीकर रखा गया है, ज़्यादा वजनी भी नहीं है, लाइट वेट सा। ये हमारा जो है वो डॉक हो गया, यानी यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन जो है लगा सकते हैं आराम से। ये मैं आपको मोबाइल फ़ोन जो है यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। जैसे आपने ये मोबाइल फ़ोन लिया तो आप इसको एज अ मोबाइल फ़ोन को एज अ स्टैंड के तौर पे भी लगा सकते हैं, यानी आपको मूवी देख रहे हैं, कोई गाने वगैरह सुन रहे हैं, तो आप इसको इसी के साथ अटैच करके तो यहाँ पर आप लगा दें, तो आप जो है वो अपना काम भी करते रहेंगे, और आपका मोबाइल फ़ोन पर आपको जो आप फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई भी देगी। तो ये इसकी जो है अच्छी बात है कि इसका डिज़ाइन जो है इस तरह बनाया गया है, जो कि देखने के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये इसका जो बटन होता है ना ऑफ फोन का, वो यहाँ पे जो है उसका बटन जो है वो लगाया गया। ये देख सकते हैं, ये इसका जो कोड होता है, ये हमारे बॉक्स के नीचे भी जो है ना उसका कोड है, ये दोनों का जो है ना वो कोड बिल्कुल सेम होता है। ये कोड के ज़रिए इसकी जो वारंटी होती है ना वो क्लेम होती है। ये देख ले सकते हैं दोनों के ऊपर जो हमारा स्टीकर जो है वो लगाया गया है। अब इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन करके आपको इसका पेयर करके तो आपको उसका साउंड चेक करवाता हूँ। जो ब्लूटूथ हमारा जो है ना वो कनेक्ट हो चुका है मोबाइल फ़ोन के साथ, ये आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन जो वो COCO C7 इसका मॉडल नंबर है, तो इसके साथ हमने जो इसको कनेक्ट कर दिया। बैटरी भी जो है यहाँ पे शो करवा रहा है कि कितनी इसकी बैटरी जो वो चार्ज है, ये तमाम चीज़ें। अब हम यहाँ पर जो है वो कोई भी चीज़ वगैरह कुछ प्ले करके जो है वो लगा के देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो सॉन्ग जो हमारा प्ले हो गया, तो
आवाज़ देखी आपने इसकी, जो कितनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ है, शायद माइक में आपको इतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ जो है वो नहीं लगे, लेकिन यार सीरियसली इसकी जो आवाज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ है। और इसका वॉल्यूम वगैरह आप यहीं से जो है हल्का वगैरह कर सकते हैं, अगर आप मेमोरी कार्ड वगैरह लगाते हैं तो यहाँ से इसको आप कंट्रोल वगैरह, अपना जो प्ले पॉज वगैरह मोड वगैरह चेंज करना, वो तमाम चीज़ें आप इन बटनों के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। बाकी ब्लूटूथ से अगर आप करेंगे तो वो आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और एज अ चार्जिंग डॉक पे आप इसको ऐसे मोबाइल फ़ोन को जो है लगा सकते हैं आराम से, तो ये भी आपका एज अ स्टैंड के तौर पर भी काम करेगा। तो है ना यार एक मज़ेदार प्रोडक्ट, एक अच्छी प्रोडक्ट, एक यूनिक सी प्रोडक्ट। तो यार उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वाली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपको तो सुनमान ताहिर, अल्लाह हाफिज़।